आज हम जानते हैं कि यूएई में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी है रजिस्टर करना, उसका प्रोसीजर क्या है और कैसे रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में, मोबाइल में या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है तो ज़्यादा बेटर है, आपको ILOE.AE सर्च करना है। जो एक वेबसाइट ओपन होगी जिससे हम अपने इंश्योरेंस रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब वेबसाइट में जाएंगे तो आपको फर्स्ट स्क्रीन में ये दिखेगा, उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन है सब्सक्राइब हियर, सो इस पे क्लिक करना है सब्सक्राइब हियर। तो अभी आप इसमें कंफ्यूजन होती है, सब ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, प्राइवेट, फेडरल गवर्नमेंट या फिर नॉन रजिस्टर्ड कंपनी। सो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं कहीं होटल या फिर किसी कंपनी में, तो आपको नॉन रजिस्टर्ड, ये जो लास्ट में ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है, नॉन रजिस्टर्ड इन MOHREE। सो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका पॉपअप हो जाएगा। आप या अगर आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ पर अपनी एम्ब्रेस आईडी नंबर डाल, मोबाइल नंबर डाल करके एक रिक्वेस्ट ओटीपी कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना पूरा बायोडाटा देख सकते हैं यहाँ पे आप इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपने देख देख रहे होंगे इसके बगल में रजिस्टर्ड यूज़र का ऑप्शन है, तो इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम, जो आपने उसके अकॉर्डिंग एमरस आईडी के अकॉर्डिंग जो आपका फुल नेम है, आपका एमरस आईडी में क्या होता है कि आपके फादर्स नेम भी उसमें इंक्लूड होता है, बट आपको अपना नाम डालना है केवल। मेक श्योर कि आप अपना नाम डालेंगे, अपने फादर का नाम नहीं डालेंगे। सो अपना फुल नेम केवल डालना है यहाँ पे, और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप वो डालें जो आप करंटली यूज कर रहे हो, क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने इस ईमेल एड्रेस में रिसीव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने एमरेस आईडी नंबर डालना है करेक्ट, एक बार वेरीफाइड करें अच्छे से। उसके बाद में आपको यहाँ रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद अब जब फिर रजिस्टर कर लेते हैं अपना अकाउंट, तो आपको यहाँ पर अपनी एमरेस आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके फिर से लॉगिन करना होता है। अब जैसे आप यहाँ पे अपने अपनी एमरेस आईडी डाली और मोबाइल नंबर डाला, आपको ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करना है। जैसे आप ओटीपी रिक्वेस्ट करते हैं तो आप वेबसाइट में इंटर होते हैं, जहाँ पे एक पेज पॉपअप होगा, उसमें आपको अपनी बेसिक सैलरी और फुल नेम, ईमेल एड्रेस और आपको अपनी एमरेस आईडी या फिर रेसिडेंसी वीज़ा का फ़ोटो अपलोड करना होता है। मेक श्योर कि 1 MB से 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना डिक्लाइन हो जाएगा, इसलिए 1 MB से नीचे ही होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो आप जैसे ही रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आप आपको एक पेमेंट के ऑप्शन में ऑटोमेटिकली वेबसाइट ओपन होगी, उसमें आपको पेमेंट करना है। 60 दिरहम 1 ईयर के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 16,000 से आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है तो आपको इस तरह का पेज दिखेगा, जिसमें आप पेमेंट करने के बाद में आपका ये दिखा रहा है कि लास्ट पेमेंट रिसीव्ड। सो ये 63 दिरहम, इसमें से 60 दिरहम जो है वो पेमेंट ईयरली पे करना होता है, लेकिन 3 दिरहम वो वैट इंक्लूडेड है, तो टोटल मिला करके आपका 63 दिरहम होता है। उसके बाद में आप यहाँ से पॉलिसी अपना सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया 60 दिरहम और 3 दिरहम मिला करके वैट आपका टोटल 63 हुआ है एनुअली, ईयरली जो मुझे पेमेंट करना होगा। और उसके बाद में आप यहाँ से एक पॉलिसी प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी